दिया मिर्ज़ा है और मैं SSG पारिक PG कॉलेज ऑफ एजुकेशन की BA/BEd थर्ड ईयर की विद्यार्थी हूँ। आज मैं एक बहुत ही महान शख्सियत का जिक्र करने जा रही हूँ जिनके जन्मदिन पर हम स्टूडेंट्स डे मनाते हैं। ये महान शख्सियत हैं भारत रत्न से सम्मानित हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक छोटे से द्वीप धनुषकोटी में हुआ। उनका पूरा नाम अबुल बाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम था। अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। अब्दुल कलाम ने हमारे भारत को परमाणु ताकत प्रदान करी। उन्होंने त्रिशूल, पृथ्वी जैसी स्वदेशी मिसाइलों का निर्माण किया। वे सदैव युवाओं के लिए प्रेरणादायक बने रहे। उन्होंने युवाओं को समझाया कि आखिर जब भी हमारी ज़िंदगी में असफलताएं आती हैं तो उसका क्या अर्थ होता है। वट इज़ द मीनिंग ऑफ फेल। फेल मीन्स फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग। नो, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। एंड एंड मीन्स एफर्ट्स नेवर डाई। अब्दुल कलाम भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में तब्दील करना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए। उनका मानना था कि यदि हम सफल होना चाहते हैं, यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना होगा। यदि हम सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले हमें सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा। वो युवाओं को सदैव प्रेरणा देते रहे। 27 जुलाई 2015 में युवाओं को कर्म संदेश देते हुए उनका निधन हो गया, किंतु अपनी शिक्षाओं के माध्यम से वो हमारे बीच अमर हो गए। थैंक यू।